नमस्ते, वेलकम टू शिवन क्रिएशन। आज मैं आपको आर्म होल का मेजरमेंट बताऊंगी कि आर्म होल कैसे लिया जाता है। आर्म होल हमेशा बैक नेक कितना लिया जाता है, बैक नेक का डेप्थ कितना लिया जाता है, उसके ऊपर आर्म होल आता है। तो मैं एक ऐसे रेडीमेड नाप मैंने आपको दिया है, अगर आप इस नाप से आर्म होल करेंगे कुर्ती का या ब्लाउज का, तो आर्म होल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 30, 31, 32 चेस्ट का अगर कॉलर नेक बनाएंगे बैक साइड का 1 से 3 इंच तक, तब आर्म होल लेंगे 7 इंच। इसी चेस्ट का 30, 31, 32 तक, 30 से 32 तक अगर बैक नेक थोड़ा ज़्यादा, बैक नेक का डेप थोड़ा ज़्यादा है, 3 इंच से 7 इंच तक है, तब आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। और बैक नेक अगर 7 से 10 इंच तक है, तब आर्म होल लेंगे 6 इंच। और ऐसे 33 इंच से 35 इंच तक जिसका चेस्ट है, कॉलर नेक बनाएंगे या 1 से 3 इंच तक बैक नेक काटेंगे, तो आर्म होल लेंगे 7.25। सेम वैसे ही पीछे का नेक अगर 3 से 7 इंच तक काटेंगे तो बैक नेक आएगा 6.75 इंच। तो सेम बैक नेक 7 से 10 इंच तक है, तो आर्म होल आएगा 6.25 इंच। तो ये सारे हैं चेस्ट का नाप, जितना भी है चेस्ट के नाप। यहाँ पे जो है मैंने 30 से 47 चेस्ट तक नाप दिया है, और ये है बैक साइड कॉलर या बैक साइड जितना 1 से 3 इंच काटेंगे तो आर्म होल। ये छाती का ऐसे, इसके साथ ऐसे अगर लेंगे तो सेम आ जाएगा। और बैक नेक 3 से 7 इंच लेंगे, तो जितना छाती है उसका भी बैक नेक के ऊपर आर्म होल ये आ जाएगा। और बैक नेक 7 से 10 इंच तक काटेंगे, तो जो नाप मैंने दिया है इसी नाप से करेंगे, तो एकदम आर्म होल आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। देखिए ऐसे अगर मैं 36 चेस्ट का बनाऊंगी, तो कुर्ती या जो है लेंथ जितना लेना है लेंथ हम ले लेंगे। मैं ऊपर का आपका ड्राइंग करके दिखाती हूँ। इस साइड से नेक मानिए 2.5, शोल्डर ऐसे 6.5 लिया है मैंने। अब पीछे का नेक कितना करेंगे आप, उसके ऊपर आर्म होल आएगा। 36 चेस्ट का बनाऊंगी तो मैं पीछे 6 इंच काटूंगी, तो 6 इंच अगर लेंगे तो 3 से 7 के बीच आएगा, तब हम आर्म होल लेंगे 7 इंच। यानी यहाँ से आर्म होल ऐसे आएगा 7 इंच, तो ये 7 इंच का होगा। और यहाँ पे चेस्ट का नाप सेम ही होगा, 36 को 4 से भाग करेंगे 9+2 आएगा, वो सेम है। लेकिन अगर 36 चेस्ट का मैं कॉलर नेक बनाऊंगी 1 से 3 इंच तक, तब ये जो आर्म होल है 7 की जगह 7.5 इंच आएगा। तो ऐसे आर्म होल नीचे चला जाएगा, आर्म होल से ही चेस्ट का नाप जाएगा। तो बैक नेक के ऊपर ऐसे आर्म होल आता है। बैक नेक आप जितना लेंगे, मैं 3 इंच लूंगी बैक नेक, तो आर्म होल आएगा 7.5। मैं ऐसे पीछे का साइड 6 इंच लूंगी, तो आर्म होल आएगा 7 इंच। तो ऐसे ही आप अगर नाप से आप करेंगे तो एग्जैक्टली आपका नाप जो है आर्म होल का नाप एकदम परफेक्ट आएगा। तो ऐसे आर्म होल लेके आप घर पे आपका कुर्ती बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिवन क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।